आटो रे, आटो सब लोग जल्दी आगे। सर ये सब इधर क्या कर रहे हैं? शूटिंग मीटिंग चल दिखाई थे। अरे तुम लोग को बोल रहा हूँ। किधर हुआ है? थर्ड फ्लोर पे सर। हाँ चोर उधर ही है क्या? हाँ है सर। इतना पक्का कैसे बोल रहा है? तेरा एसआई किधर है? पुलिस स्टेशन में है सर। क्रिकेट खेल रहा है क्या? मौका है वारदात पे आता नहीं है। ए सर बाइक हटा रे। हाँ अच्छा हुआ आप आ गए सर, ये हमारे किसी को परवाह नहीं है। अभी मैं आ गया हूँ। पूरा कॉलोनी में जो भी प्रॉब्लम है लिख कर उस पर दस्तखत करके दे दो, एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा। सर वो मैंने बाइक हटाने को बोला था ना। ये है कौन? इससे पहले तो कभी देखा नहीं इसको। खुद ही पूछ ले। सर क्या मैं जान सकता हूँ आप किस सर्कल से हैं? आईजी से ऐसे सवाल पूछ रहा है तू? 2013 से 2020 तक 457 केस बिना किसी का मदद लिए वन मैन शो में हैंडल किया। हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन गैलेंट्री अवार्ड लेने वाले इस सुनील से पूछ रहे हो? मैं कौन हूँ? यहाँ किसी से भी नहीं हो रहा इसलिए स्पेशली दिल्ली से भेजा है और तुम पूछते हो मैं कौन हूँ? चोरों को पकड़ने के लिए शेर की तरह शिकार करने वाले से पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? 24 तास सच अंदर इस कॉलोनी में हो रही सब चोरियों पर पुलिस स्टॉप लगाकर चोरों को जब पकड़ूंगा तब पता चलेगा मैं कौन हूँ। सर कितनी बार बोलेगा बाइक हटाने का? चाबी नहीं है सर। अरे चाबी नहीं है बाबा। सीरियल देख रही थी, किसे पता चलेगा? चुप। हाँ वही है, वही है। इसी तरह आ रहा है। चुप हो जा, आ रहे। चाबी तुमच्या कडे आहे का? नहीं है सर। और गुस्पोस क्या कर रहे हो? सर अमावस्या के दिए सीरियल में 473वें एपिसोड में सावित्री से शादी करने के लिए एक आदमी आता है। आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं सर, यही बता रही थी मैं इसको। नहीं सर, रेगिस्तान सीरियल में मंदिर के बाहर एक भिखारी होता है ना। अरे नहीं रे, पुत्रे को सीरियल में पोलो टी शर्ट पहन कर पकौड़े बेचने वाला बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, वही है ना? हाँ सही है। सच में सर, आई लव यू सर। सर चांस मिले तो नायरा का भाई बनकर अगर कार्तिक को सच बता दिया जाए तो वो दोनों मिल जाएंगे सर। मिला देते हैं, मिला देते हैं सर। अरे क्या बोल रहा बाप? अबे तुझे क्या मैटर दिया था और तू क्या मैटर कर रहा है? इधर ना, मेरे को दो लेडी फैन मिल गई और एक आदमी कौन है? तू जाकर सेल्फी खिंचवा। यार मैटर तूने कहा था कोई नहीं पहचानेगा। मुझे क्या पता था कि वो इतना पॉपुलर है। द पावर ऑफ द सीरियल आर्टिस्ट, पावर ब्रांड है सर। अबे मैटर कही के सिर्फ एक छोटा सा मैटर दिया था, तूने इतना बड़ा मैटर बना दिया। आप भी ना। कौन हो तुम? अभी तो बोला था, सुना नहीं? लगता है नहीं सुना। इस बार दोबारा बोलिए डिफरेंट वेरिएशन के साथ। तो आप रेडी हैं सर? रेडी सर, एक्शन। क्यों रहे? 2013 से 2020 तक 457 केस बिना किसी का मदद किए सिंगल हैंडेडली हैंडल किया। हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन गैलेंट्री अवार्ड लेने वाले से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? <सही है। laughs> कोई नहीं बोल पा रहा ये डायलॉग भी। इधर किसी से नहीं हो रहा था इसलिए स्पेशली दिल्ली से मेरे को बुलाया और तू पूछ रहा है कौन हो? ये तो भावनाओं में बह गया, रो किसे। इस बार डिफरेंट वेरिएशन के साथ चोरों का डायलॉग बोलिए। चोरों को पकड़ने के लिए शेर की तरह शिकार करने वाले से पूछ रहे हो कि कौन हो? वो लोग तुझे वही सुला देंगे। इस कॉलोनी में हो रहा सब चोरी के ऊपर फुल स्टॉप लगाऊंगा। इतना कुछ करने के बाद तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? मस्त किया ना? मस्त सर, मस्त। वो सब समझ गया। तू प्लीज जाना मेरे बाप, प्लीज। और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है ना? ऐसे परफॉर्मेंस किया। अब मुड़ जाइए सर। मारेगा? हाँ बिल्कुल मारेगा, वापस मारेगा। हाँ मारूंगा सर। स्नेहापुरी कॉलोनी से बार बार फोन आ रहा है सर। अब ये लोग शांति से पुलिस वालों को पेशाब भी नहीं करने देंगे। चल गाड़ी निकाल, थोड़ी देर और ड्यूटी बजा लेते हैं। ओके सर। भाई तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा, तुम कल सुबह तक आ जाना। यार मैं डॉक्टर को लेकर आया हूँ, झांसी दीदी भी यही है। तुम चिंता मत करो, देखो तुम सब मेरे अपने हो, ये मेरी भी कॉलोनी है। संभालो अपने आप को। देख लिया ना? हाँ आज एक औरत पर हमला हुआ है, कल को हमारे बच्चों के साथ भी कुछ हो सकता है। अरे हम लोग शांति से जिए या नहीं? स्टेटस क्या है? #चोरियां हैं
पुलिस कहाँ है? वायरल हो गया। वो नाइट टाइम है ना सर, थोड़ा मुश्किल है। इधर आ। अब ले फोटो। अच्छा है ना ये बात। नमस्ते सर। क्या हुआ बताओ? आप नहीं जानते क्या पिछले 4 महीने से यहाँ क्या चल रहा है? कितने की चोरी हुई? चेन स्नैचिंग के वक्त अगर ध्यान दिया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँची। भूषण चुप। क्यों सर क्यों? इन्होंने ऐसा क्या गलत कहा? आप जानते हैं ना एक्स कॉर्पोरेटर, मेरे सवालों का जवाब आपको देना ही होगा। हम रूलिंग पार्टी से हैं सर। ए, ये एक्टिंग सीरियल में दिखाना, इधर ना आए। हम? ए, तुम बोलो। 3 लोग मास्क पहन कर आए थे सर, मुझे मारा और पैसे और गहने लेकर चले गए। घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं सर। किसी को बताया था कि तुम अकेली हो? घर में चोर आए थे सर। वही तो, चोरी करने आए थे या चोरी से तुमसे मिलने आए थे? हाँ? क्यों ना, सही कह रहा हूँ ना। अब होगा वायरल। नहीं सर, जाने दीजिए। ड्यूटी तो ठीक से नहीं करते, कम से कम ठीक से बात करना तो सीख लो। यहाँ किसी को भरोसा नहीं है कि तुम कुछ करोगे। ये वर्दी हमें तो नहीं बचा सकी, लेकिन आज इसकी वजह से तुम जरूर बच गए। भाई कोई नहीं मिला भाई। ये आखिरी बार है, कॉर्पोरेटर के हैसियत से बोल रहा हूँ, ये अब दोबारा नहीं होना चाहिए। कॉलोनी की सिक्योरिटी और टाइट करो, अपने 10 ठोकरों हाँ। को और बढ़ा दो, देखते हैं कौन आता है। ठीक है भाई। अगर किसी पर शक हो तो उसकी हड्डी पसली एक कर देना। ठीक है भाई, मैं सबको देख लूंगा। हेलो सर, वेलकम यू रॉयली टू द रॉयल एनफील्ड, द ओनली रॉयल इन द फील्ड। रेड थंडर है क्या तुम्हारे शोरूम में? डैम, आई अप्रिशिएट योर चॉइस सर, 100% वो बाइक है एंड 90% लोन हम ही आपको देंगे। लोन? मैं पूरे कैश में खरीदूंगा। वैसे मैं खुद बाइक उठा के लोन वसूल करता हूँ। सर हमारे देश में आर्मी जितनी जरूरी है, वैसे ही बाइक शोरूम्स को आप जैसे रिकवरी एजेंट की जरूरत है। सर हमारी बाइक पे रिकवरी के लिए जाएंगे तो रॉयल रिकवरी होगी सर। मुझे नहीं, मेरे दोस्त को चाहिए। बिना मतलब राय का पहाड़ बना रहा है। राय का पहाड़? हेलो सर, आई वेलकम यू रॉयली टू द रॉयल एनफील्ड। बड़ा मैटर नहीं, छोटा मैटर तो आप ही पूछिए। तुम्हारे शोरूम के लिए जो चाहिए ऑल काइंड ऑफ मैटर मेरे पास है। आई एम रनिंग अ स्मॉल मैटर बिजनेस। सर यहाँ मैटर का मतलब कुछ और ही होता है, पता है ना? कहीं आप वो बिजनेस तो नहीं करते? हाँ, उस मैटर की बात नहीं कर रहा, ग्रोसरीज स्मॉल बास्केट। हर बात पर मैटर मैटर कह रहे हैं, कौन है ये मैटर? ए, तुम्हें मैटर चाहिए या नहीं? मैटर के लिए मेरे पास बिग बास्केट है सर। आपको बाइक चाहिए कि नहीं? चाहिए, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हें भी नहीं चाहिए तो किसे चाहिए? वहाँ देखो, वहाँ तो कोई नहीं है। नीचे देखो ठीक से। ओ छोटू, पापा के साथ आए हो? हाइट के अलावा कुछ भी बोल ले, उम्र में मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। और बाइक मुझे नहीं चाहिए, चल साइड। सेकंड फ्लोर को नहीं चाहिए, फर्स्ट फ्लोर को भी नहीं, ना ग्राउंड फ्लोर को, अब क्या बेसमेंट आएगा? हेलो। आप खरीदेंगे या सिर्फ विंडो शॉपिंग? सुबह सुबह मुंह उठाकर चले आए हो, बाइक खरीदना भी है या बाइक का शोरूम देखने आए हो? यहाँ कोई वेलकम ड्रिंक्स नहीं मिलता। हेलो। बाइक खरीदने का फैसला करने के बाद कई दिनों तक इंटरनेट पर रिसर्च करके मुश्किल से घर वालों को मना कर एटीएम में पैसे नहीं दिए तो फ्रेंड से मांग कर वो भी पूरे नहीं पड़े तो एक सेठ से लोन के लिए चक्कर लगाकर उनके मांगे सारे डॉक्यूमेंट्स देकर शोरूम ओपन होने से पहले यहाँ कर मैं खड़ा हूँ, तो क्या तुम इससे वेंडर शॉपिंग का हो गया? हमारे अंदर का जज्बा नहीं दिखा? सॉरी सर, वन सेकंड वाटर। सॉरी सर। इट्स ओके। समझ नहीं आया इस इमोशन पर कैसे रिएक्ट करूं, इसलिए नॉर्मली रिएक्ट कर दिया। बाहर लोगों को मालूम पड़ा तो बाइक फैंस मेरी बजा डालेंगे सर। आई वेलकम यू। अच्छा, वेलकम किस लिए? आप ही का शोरूम है, आ जाइए। थैंक यू। शोरूम आप ही का है। रेड कलर थंडरबर्ड 350 सुकू, नेक नेम पर डिस्काउंट नहीं मिलता। ए, बोम्मी रेड्डीपल्ली सूर्य वेंकट सुंदर सुकुमार है ना? मेरा फुल नेम, मतलब मेरा पासपोर्ट तुम लोगों के हाथ लग गया, दे दो भाई मुझे बैंकॉक जाना है। चुप कर यार, साले भूल गया मुझे, हम क्लासमेट्स थे। क्लासमेट्स? क्लास या क्लास? सेकंड क्लास में स्वाति को तेरे पापा ने जो डबल डेकर पेंसिल बॉक्स दिलाया था उस पर लव सिंबल बना दिया था, वो देखकर टीचर ने तुझे नंगा करके मारा था। फ्लैशबैक तो याद आ गया, लेकिन उसमें तो फ्लश ही नहीं हुआ। अरे मैंने ही तो बताया था। तूने? अरुण यार मैं।
अरुण हम सब दोस्त हैं यार। तो इसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क क्यों है? ये एनिमेटर मेरे फ्लैशबैक में नहीं था। वीडू ना कॉलेज एंड ऑफिस फ्रेंड रहा। फ्रेश एंड लेटेस्ट अम्मा। तो जून 15 को होगी डिलीवरी। यार हॉस्पिटल में बेबी की डिलीवरी इतना टाइम क्यों लग रहा है? बाइक ही तो है, जल्दी कर देना। और क्या? अरे बेबी हो या बाइक, बनने में तो टाइम लगता है ना। एक एक पार्ट को हैंड पिक करके सेट करते हैं। उधर देखो सब पार्ट अलग अलग है। इट्स अ ब्रांड यार, आई कांट हेल्प इट। स्मॉल बास्केट में मैटर की डिलीवरी तो एक घंटे में। यार तू बाद में मैटर मैटर मत बोल, मुझे शर्म आती है। ये सब छोड़, दोस्त के लिए बाइक थोड़ी जल्दी मंगवा देना। मंगवा देना तू ऐसे चला। ओके मेरे पास ऑलरेडी एक बुकिंग है, मैं उसे डाइवर्ट कर दूंगा। 100% मई 15 को डिलीवरी हो जाएगी। ओ हेलो, मई 15 को नहीं, जून 1 को ही चाहिए। अरे ये पहले बाइक दे रहा है तो तू मना क्यों कर रहा है? क्यों यार, चुप कर बे। क्यों भाई? इसके लिए मुझे पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। हाँ, तो तू कहानी सुना, मैं निकल जाएगा। भाई स्टार्टिंग से सुनाएगा, सिर्फ 1 जून का शॉर्ट में बता देना। अबे अभी 2 साल पहले तुम्हारी दोस्त थी। पैदा होते ही मैं कुछ दिनों में चलना सीख गया, उसके कुछ दिन बाद बोलना सीख गया, उसके बाद गाना भी सीखा होगा, फिर डांस भी सीखा होगा। कट द इंट्रो मैन, मूव फॉरवर्ड। नहीं बताता। बताना। ठीक है, इतना सब कुछ सीखा लेकिन बाइक चलाना नहीं सीखा। अरे फिर बाइक खरीदने की जरूरत क्या है? मेरी लाइफ में ना मेरी माँ, लड़की और बाइक का एक बेजोड़ रिश्ता है यार। बेजोड़ बैजू का रिश्ता? ये बैजू कौन है मुझे बताया नहीं, फ्लैशबैक में कहता हूँ। नहीं, नहीं। मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में एक लड़की आई थी यार। लड़की? फाइनली। अगले महीने दे दूंगा सर, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज सर। पिछले महीने ही 2 बार दिए थे, वो तो कटवाया नहीं तुमने अभी तक। मेहरबानी करके काम पर ध्यान दो। ए, क्या हुआ? मेरी बीवी की डिलीवरी है सर, हॉस्पिटल में पैसे जमा करने हैं, 2000 मांगे वो भी नहीं दिए। अरे मेरे पास सिर्फ कार्ड्स हैं, गूगल पे या पेटीएम है तुम्हारे पास? नहीं है सर। एक्सक्यूज मी, ये 2000 का नोट देंगी? बहुत अर्जेंट है। क्या? इट्स वेरी अर्जेंट। व्हाट? प्लीज। अरे ये लीजिए। थैंक्स सर। नो प्रॉब्लम, ख्याल रखो। ओके ओके सर। आप इसी फ्लोर पर काम करती है ना? देखिए लंच टाइम से पहले किसी भी तरह मैं आपको आपके 2000 लौटा दूंगा। ओके okay? अभी इंटरव्यू है, मैं जाता हूँ। सॉरी। है कौन ये? मेरे पैसे उसे दान कर दिए। एक्सक्यूज मी। यस कम इन। थैंक यू। रेस्यूम। So you are Meenakshi, right? Yes. How did they achieve this? Your question is wrong, sir. इसे ऐसे नहीं बनाया गया, सीधा ही बनाया था, but soil strength को miscalculate किया, इसलिए over the years ये ऐसे lean हो गया। अभी उसे maintain करने के लिए करोड़ों में खर्च कर रहे हैं। दुनिया में कौन से देश का architecture best है? हमारा Indian architecture, for example, Ellora का कैलाश temple, सिंगल स्टोन माउंटेन का मंदिर बनाया, गोलकोंडा फोर्ट को फिजिक्स फॉलो करके बनाया गया है, 1000 पिलर टेंपल, तंजावुर टेंपल, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन दिनों में वंडर्स क्रिएट कर लिया। इम्प्रेसिव, यू कैन जॉइन फ्रॉम टुमारो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। या सीआई रुद्रा ने चोरों के बारे में कुछ बताया? नया है ना, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये भूषण बहुत उछल रहा है भाई, चेन स्नेच वाले लोगों के जरिए पॉलिटिक्स खेल रहे, वो भी अपने लोगों के बारे में बकवास करता घूम रहा है, बिल्कुल भी शर्म। वो सब छोड़, तूने एक एमएलए के बेटे को मारा? अरे वो एमएलए है ना, और उसका वो बेटा प्यार के नाम पर अपने एरिया की लड़कियों के पीछे घूम रहा था, उसे कैसे छोड़ देता? मैं तो नहीं छोड़ूंगा। क्यों रे, तेरा ब्रेकअप हो गया तो क्या सभी का करवाएगा? शायद उसका प्यार सच्चा हो। ये प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं दीदी, प्यार के नाम पर यहाँ आकर तमाशा करेगा तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। शायद वो सच में प्यार करता होगा। तेरा ब्रेकअप हो गया तो क्या सबके साथ ऐसा ही होगा क्या? ऐसा नहीं है। वैसे भी प्यार के बारे में तुझे क्या पता है? मुझे पता है या तुम्हें? बाहर मैं रहता हूँ, तुम नहीं। भैया नया ऑफिस कैसा लगा मीनू? अच्छा है भैया। तुझे अभिनव रोज ड्रॉप और पिकअप करेगा? नहीं भैया, फ्रेंड्स है ना उनके साथ करेगा।
बुआ अब ऑफिस चले जाएंगे तो मेरा होमवर्क कौन करेगा? तो तुम भी ऑफिस चले जाना। क्या बोला? तेरा होमवर्क मैं करूँगा। ఏంట ఆఫీస్ లో ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు? माटा माटा को माटी माटी को माटा माटा को इला बुक क्या नेंटी? हाय हाय सर या सर Hi sir. Hi. ఇంట్లో అందరూ బాగున్నారా? బాగున్నారు సార్. ఆర్ యు అన్కంఫర్టబుల్? ఇట్ స్ట్రైట్ వెళ్ళి రైట్ కల్తే అక్కడ. నో సార్. ఐ యామ్ ఓకే. గివ్ మీ 1 సెకండ్. దిస్ ఇస్ యువర్ అసైన్మెంట్ సో చుట్టూ ఐటీ పార్క్ మధ్యలో చెత్తంత తీసేసి కాఫెటేరియా స్విమ్మింగ్ పూల్ జిమ్ ఇవన్నీ డిజైన్ చేయాలి మీరు డిజైన్ చేస్తారా yes, sir. మామూలుగా కొత్తగా వచ్చిన ఇంటర్న్స్ కి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వరు Can after seeing your designs I think you'll surprise us so charo taraf IT park okay beech mein sara kachra hata kar swimming pool cafeteria gym sab design karna hai kya tum design kar paoge ha yes sir वैसे तो हम नए interns को इतना बड़ा project नहीं देते but after seeing your designs I think you'll surprise us yes sir sir mat kaho corporate culture hai na arun bolo kafi hai अरुण यहाँ आना आया क्या हुआ माँ इधर आना मैंने कंट्रोल अल्ट दबाया है तुम डिलीट दबाओ हाथ हटाओ इतना ही था और नहीं तो क्या कब सीखेंगी आप तुम लोग ही सिखा दो अरुण ये सॉक्स कहाँ होने चाहिए अब क्या है माँ बॉटल की कैप कहाँ होनी चाहिए बॉटल पर कर रहे अच्छा समझ गया पद्मावती जी क्लास ले रही हो ना क्लास नहीं आजकल तू बहुत आलसी हो गया है इसलिए क्यों माँ बच्चों के सामने क्लास ले ली हाँ कम से कम ये बच्चे इसकी तरह ना बने बहुत है बस कुछ ही दिन की बात है माँ उसके बाद आप मेरे साथ दुबई चलना वहाँ हम दोनों आराम से रहेंगे अरे रे 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 क्या खबर सुनाई है दिखाना जरा क्या बात है फोटो अच्छी है ना हाँ थोड़ी लाइट होती तो अच्छी आती अबे ये लड़की कौन है माँ बाद में बताऊंगा कब तक रहेगा वहाँ अभी तो माँ बस 2 ही साल रहूंगा तब तक लोन भी चुक जाएंगे और मुझे उस सेठ के पास बाइक उठाने का काम भी नहीं करना पड़ेगा अरे मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई और आप उदास हो गई ये सब हमारी ही वजह से ना तू चिंता मत कर अरुण तेरा सारा लोन चुका देगा अरे क्या बात कर रही हूँ माँ पापा और चाचा दोनों ने मिलकर बिजनेस के लिए लोन लिया था चाचा के एक्सीडेंट में मौत हो गई इसमें आपकी गलती कैसे हुई वैसे भी अपनी आधी तनख्वाह तो मुझे दे देता है ये पासपोर्ट भी इसी ने बनवाया है फोटो अच्छी आई है ना भैया चले क्या बेटा श्रेनू वहाँ क्या कर रहा है अंदर आना
ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। आराम से बाहर आ जा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट सीख लो, चलो। कितनी बार कहा है उसके साथ मत घूमो, फिर भी उसी के साथ घूमते रहते हो। अबे बच्चा बच्चे की तरह रहे, अब देख के रहा चलना, फालतू की बातें कर रहा है। Hi. Hi, Arun ji. Any progress? Nothing, just building plans. कोई बात नहीं. वो nowadays लोगों को लगता है construction का मतलब destruction है. Greenery पर buildings बनाकर उसे खराब करके फिर greenery के लिए Google करते हैं, पर हम greenery से दूर होते जा रहे हैं. How silly ना? हाँ. Carry on. चल कॉफी पीकर आते हैं। ओके चलो। आई फॉरगॉट माय आईडी, आई विल जस्ट कम। ओके चुपचाप अपना अपना काम करना, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो अपना काम कर। चल थैंक्स। अरे खाली के लिए। हां एनिमेटर, लंच लंच वीड नन शाम पे दांको अटलेट अटलेट। बीच में से तो रॉक्स को हटाया नहीं, ट्रीज भी वैसे की वैसी हैं। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया? अरुण एक्सप्लेन दिस। श्योर आदित्य जी, जैसा आपने कहा था इसमें कैफेटेरिया, जिम, रिक्रिएशन के साथ नेचर भी है। ये देखिए, ये हिल्स ट्रैकिंग एरिया है, ये साइकिलिंग ट्रैक है, इस पॉन्ड में आप बोटिंग कर सकते हैं, पेड़ों के नीचे कैफेटेरिया, इट रन्स ऑन सोलर एनर्जी, इट्स कम्प्लीटली इको फ्रेंडली, ऑल्सो बजट फ्रेंडली। एंड फाइनली वन मोर थिंग सर, हम जो ग्रीनरी बर्बाद करके उन पर बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, उस पर वापस ग्रीनरी कैसे लाई जाए ये ढूंढते रहते हैं। हाउ सिली ना, मेरा आइडिया मार लिया। गुड जॉब, वेल डन गाइस। ये क्रेडिट मेरा नहीं है सर, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया और प्रेजेंटेशन सब मिस मीनाक्षी का। कांग्रेट्स मीना। कांग्रेट्स मीना। कांग्रेट्स मीनू, मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे हूँ। आप चाहिए मैं फ्रेंड के साथ आ जाऊंगी। ठीक है, जीजू ने पूछा तो। भैया के आने से हाफ एन आवर पहले आप मुझे कॉल करेंगे? ठीक है, ओके, कैरी ऑन। थैंक यू, थैंक यू। पता है पहली बार इंटर्न को क्रेडिट मिला है। हे, मैं यकीन से कह रही हूँ उसे तुझ पर क्रश है। मेरे देखने पर भी वो मुड़कर नहीं दिखता। अरुण के दिमाग में Whatever is happening, how will I know? तुम बताओ, हाँ या ना? दोस्त कितने भी करीब हो, लड़की के मामले में कभी कुछ नहीं बोलते। लो मैं अभी प्रूफ करता हूँ। मैं कॉल करता हूँ, तुम स्पीकर पे डालकर म्यूट बटन दबा देना। ओके ओके। आहा, हेलो, क्या उसने थैंक्स बोला या नहीं? सब कुछ उसी ने तो किया था, मुझे थैंक्स क्यों कहेगी? ये तो लकीली डिजाइन अच्छा था इसलिए निकल गया, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। वैसे भी लड़कियों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए, हैंडल नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? जब पापा की मौत हुई थी तब मेरी माँ ने ही सब हैंडल किया था। थोड़ा सा काम करके हम प्रेशर में आ जाते हैं, हमसे ज्यादा प्रेशर तो औरतें हैंडल करती हैं। ओके ओके, लड़कियों की इज्जत करते हो, चलो मान लिया, लेकिन मीनाक्षी में स्पेशल इंटरेस्ट क्यों? नहीं नहीं, मीनाक्षी में कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मीनू स्पेशल है। हे हे, वेरी फनी। एक्सक्यूज मी अरुण,
इफ यू डोंट माइंड मुझे ड्रॉप कर दोगे क्या? प्लीज ड्रॉप मी, प्लीज ड्रॉप। यार बड़े स्वैग में हूँ, डिस्टर्ब मत कर। चलो डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लड़की के बुलाते ही भूल गए कि तुमको बाइक चलाने नहीं आती। भाई तो पूरी तरह फंस गया। उसके बाद क्या हुआ? मीनू 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 सॉरी 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 कहा? सॉरी ओके कंटिन्यू। हाँ स्लो ही चलाऊंगा, ओके फास्ट नहीं चलाऊंगा। जल्दी चलो भैया आ जाएंगे। इसकी किक कहाँ पर है? क्या हुआ? देर हो रही है अरुण। वेदर क्लाउडी है, देखो ना गूगल वेदर भी यही दिखा रहा है। कैब में चलें क्या? मैं शॉर्टकट जानती हूँ, बारिश होने से पहले पहुँच जाएंगे। पहुँच तो जाएंगे पर मुझे भी तो बाइक चलानी आनी चाहिए। सच बताना ही पड़ेगा। मीनाक्षी जी, इफ यू डोंट माइंड मैं बाइक चला सकती हूँ क्या? क्या क्या मैं चला सकती हूँ? ये तो अच्छी बात है, मुझे बाइक्स बहुत पसंद है। भैया को बिना बताए कभी कभी मैं उनकी थंडरबर्ड बाइक चलाती हूँ। मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है, बहुत हैवी है एंड बैलेंस के लिए लंबे पैर चाहिए। स्केट भी हो सकती है। ठीक है तुम ही चलाओ। नहीं, तुम चला लोगी ना? कॉन्फिडेंट लोगों को एनकरेज करना मेरा सेकंड नेचर है। लेडीज फर्स्ट प्लीज। अरुण कहाँ है? बॉडी पेन। अच्छा क्या हुआ? तुम्हें तो उसने लिफ्ट दी थी, उसे कौन लिफ्ट देता? मतलब भैया भैया लिफ्ट? हा? तुमको या बाइक को? दोनों को। अरे अरे ये तो समझ ही नहीं पाए। बाय। कहाँ जा रहा है? सब बता दिया ना? कुछ नहीं बताया। बता दूंगा। हे अरुण। हे ब्लू ब्लू सेम कलर सेम पिंच। लिसन बॉडी पेन कम हुआ क्या? फंक्शनल ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग कार्डियो मसल कैच ये सब कॉमन। बाइक चलानी नहीं आती? नो नॉट लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। अ फोर व्हीलर टू व्हीलर हॉर्स पावर इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। मैंने सोचा नहीं आती तो मैं सिखा देती। ओह अच्छा क्या सिखाओगी? मुझे नहीं आती कसम से। ए, ए, इधर आना। कसम से नहीं आती। ए, हाँ, बताना तू सच में इसे बाइक चलाने हाँ, नहीं आती? सच में नहीं आती। ये भी नहीं पता कि इसकी कसम होती मुझे है। नहीं आती। आप सिखाओ ना, जल्दी से सिखाओ ना प्लीज प्लीज। What's up? इतना ज्यादा बिल्डअप? तुम मुझे नहीं जानती, मैं बहुत फास्ट हूँ। पैदा होते ही मैं चलना सीख गया था, उसके बाद बाइक चलानी सीखी, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे where's my bike? Whoa, whoa, whoa. Hold this. पकड़ो। शानदार, क्या बाइक क्या है ये? हेलो ये नहीं वो ये मेरा बिल्डअप किस लेवल का था और ये तुम मुझे क्या दिखा रही हो? हाँ जानती हो मेरा चश्मा कितने का, ये हेलमेट जानती हो ग्लव्स कितने के, ये नी पैड शूज कितना खर्चा किया है? हाँ? चलाऊंगा नहीं उड़ाऊंगा। हाँ, अब देखो मेरा टैलेंट, सिर्फ बैलेंस ही तो करना होता है ना। हाँ, हाँ, वही। अरे यार फ्लो फ्लो में ना मैं कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी करके नहीं आप पार लगा देना। हे भगवान प्लीज। नहीं 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 अरे 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 तुमने तो कहा
कहा था तुम जल्दी सीखते हो। मैं सीख तो जल्दी गया था पर यहीं तक सीखा था। पर नी पैड्स काम आ गए है ना। अच्छा मुझे ग्लासेस दोगी? हाँ थैंक यू। अंधेरा लग रहा है अब। ठीक है चलो। जिगरी दोस्त बोली జరగబోతుందో నేను చూడాలి ఏంటమ్మా ఇది ఆవిడ క్యారెక్టర్ 5 సంవత్సరాల ముందు చనిపోవాల్సింది సీరియల్ పోతా ఉంది కానీ ఆ మాత్రం పోట్లా ఆ సీరియల్ లో ఝాన్సీ మా ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది తెలుసా నిజంగా నాకు ఒకరోజు పరిచయం చేస్తావా షూర్ ఆంటీ అబ్బో సరిపోయింది రాంగ్ రూటా ఇది టూ వేనే కదా సార్ వన్ వే ఇప్పుడు చేశారు అయితే నీకేంట్రా పొద్దునే పెట్టే బోర్డు తీ లైసెన్స్ సార్ 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 నమస్తే సార్ అది మా ఆవిడ ఎల్ఎల్ఆర్ అప్లై చేసిండు వచ్చేసి సార్ టూ డేస్ నువ్వెవడరా ఇన్ ఫ్రెండ్ సార్ చూడు తమ్ముడు రోడ్డు మీదకి వచ్చేటప్పుడు అన్ని ఉన్నాయో చూసుకోవాలిగా లేవనుకో మాకు ఇవ్వడానికి ఏమున్నాయి చూసుకోవాలిగా చిల్లర్ లేదు ఆన్లైన్ కట్టేస్తాను నర్సింగ్ యాదవ్ మనుషులకి బల్బ్ ఎక్కువ సార్ అగో అదాని చెల్లి హే మే ఆ రావా సారీ అరుణ్ मैं अब तक रेडी नहीं हुई और भैया भी घर पर ही हैं। हमेशा भैया 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 मुझे लगा था वो आज गांव जाएंगे मैं तुम्हारे साथ आई तो मेरी खैर नहीं सॉरी अरुण अपने भैया से तुम डरती होगी मैं नहीं अच्छा अभी तुम्हारे घर आकर तुम्हें ले जाऊंगा हाँ सर इतने हिम्मत वाले हैं हमारे एरिया में आएंगे एड्रेस बताओ स्नेहपुरी कॉलोनी नरसिंह यादव का नाम पूछोगे तो कोई भी बता देगा टॉप फ्लोर पर रहती हूँ आ जाओ अगर तुम आ गए ना तो जो कहोगे वो करूँगी सच में अभी आता हूँ मैं एड्रेस किसे बता रही थी मीनू स्विगी को भैया ओहो ठीक है हे स्माइली नानी तू अपना टिकटॉक बना मैं अपना बनाऊंगा अगर दोबारा मेरे वीडियो पर कमेंट किया तो मैं फोड़ कर रखूंगा एक्सक्यूज मी यहाँ नरसिंह यादव का घर कहाँ पर है क्यों इस एरिया में नए हो अगर हाँ बोलूंगा तो क्या पूरा एरिया दिखाएगा नहीं उधर देख दिन में तारे दिखाएंगे इस एरिया में क्यों आया अरे ये मार क्यों रहा है दिस इज ह्यूमन राइट वायलेशन हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद हे रानी काहे सुतत बड़ू भुइया हो अब पूरा दहिया में चुभता सुइया हो डुएट गाना है लेकिन हम अकेले बनी अकेले गा रहे हैं हे रानी काहे सुतत बड़ू भुइया हो अब पूरा दहिया में चुभता सुइया हो अरे भागेलू काहे भोजपुरिया मरद से भागेलू काहे अरे भोजपुरिया मरद से मरद से मरद से लइकिया कहतिया हो हो
टिंकू बाबा के तरफ से बहुत सारा प्यार। ये दोनों भाई के देख के मुझे लग के हम बोल पाएंगे। ये छोट भाई हमारा, अरे बाप, नहीं तो ये भाई लोग से पैसा लेने बड़ी शर्म लगला कि हमारा कितने तरह से छोट छोट भाई, लेकिन कमा भी यही लग रहा है। कि रानी काहे सुतत बड़ो भुइया हो, ए छोटे बाबा ना अभी ना बाद में रानी का है सुतत बड़ो भुइया हो। हेलो छोटा बाबा, मंच पर आवे पड़ी रुआ और गोलू भाई के विशेष आग्रह बा कि मंच पर आवे के बाद रुआ सबके बीच में मंच के एगो अलग अंदाज से आपके दिल पर राज करे वाला गोलू राजा भाई आगिल बने। एक बार रुआ सब थप्पड़ी बजा के आशीर्वाद दे दी गोलू राजा भाई के साथ में शिव कुमार बिक्कू भाई। खूब गाना उनको बाजता फलानवा के बेटी वाला गाना धमाल मचैले बा। स्वागत बा आप, आज पैसा भी उड़ाई लोग, गाना भी गाई लोग, डांस भी कर लोग, जितना कलाकार लोग आइल बस हमारे पर काम ना रही तो हम वही जे रात भर रही जाई। और सौन निशा नाम से हमारा काफी प्रेम है बचपन से। आ छोटे बाबा खाती एक बेर थपड़ी बजाए रो ई ई रसिया हमरे के छोड़बे ना करेला। कह के भाई रानी काहे सुतत बड़ो जब मरद के लोड नहीं सहबू कैसे ससुरा में रहबू। एक बार इस छोटे से बच्चे के लिए जोर कर ताली आप लोग बजा दीजिए। वाह, हाई उम्र में तो हम हो हाई ना मारे सीखल रहे हैं, हम बस हाई मारते हैं। जब मरद के लोड नहीं सहबू कैसे ससुरा में रहबू। हमनी के तो बिगाड़ के माटी कह दिला, एकरो के माटी ये करब। जबले देही में पय नहीं तबले लय नहीं। दुनिया के कोनो ऐसा लयदार नहीं है जेकरा में 2-4% पय नहीं है। जब पैदा ना हो तो लयदार ना हो। हां वो जो कह के बात कितनी कम और दबा दई राजा। हाथ में लेके ना
नचते हैं नचते हैं बिकू बिकू अरे फलाना नहीं हुआ दार तू अपन नाम शिव कुमार बिकू ना शिव कुमार तन तू ना भाई नाचो लोग हम लोग तन को मर दबा दो कहे तेरा लुका लुका बच के लब से कहे तेरा लुसी लुका लुका के लब से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन किसने मांगी थी वक्त निकला जा रहा है यार कुछ करना पड़ेगा जल्दी ए, अपना एमएलए है लेकिन बड़ा डेंजर आदमी है किसी की बात नहीं सुनता फिलहाल कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा चल चलते चल चल टाइम नहीं है अंकल बेटा मैं तुम्हें कब से खोज रहा हूँ कहाँ जा रहे हो अंकल मैं उसी काम में लगा हूँ अभी थाने से आ रहा हूँ उनसे मिलने तक नहीं दिया आप चिंता मत कीजिए मैं सूरी को छुड़वा कर लाऊंगा दो हफ्ते बाद उसे दुबई जाना है अगर वो नहीं गया तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे बेटा अंकल प्लीज सुबह होने से पहले वो निकल जाएगा मेरी गारंटी यकीन कीजिए काश कि तुम ऐसा कर पाओ भैया एमएलए साहब से मिलना है उनसे कहिए ना कि जयप्रकाश का बेटा है प्लीज मिलवा दूंगा ये तो बता सूरी को अरेस्ट क्यों किया आना बोल यार बुला रहा है वो जयप्रकाश का बेटा आया है आपसे मिलना चाहता है ए चलो जाओ तुम लोग कार में बैठो सर तुम जयप्रकाश के बेटे हो ना हाँ सर तुम्हारे पापा की मौत के वक्त देखा था तुमको बताओ तुम उससे क्या चाहते हो सर स्नेहपुरी कॉलोनी में अब एक मिनट सर ले दीदी का फोन क्या मैं नहीं सर हाँ दीदी एसआई रुद्रा को फोन किया था फोन नहीं उठाया हाँ। मुझे तो बड़ा इशू लग रहा है ओ। मैं डायरेक्टली कमिश्नर से मिलने की हाँ। कोशिश करती हूँ ओके दीदी ओके दीदी तो ये सब अरुण को बता देना ठीक है थाने में सूरी बस यही हुआ था सर जानते हो तुमने जो किया वो कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है पता है तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान हुए तुम्हारे दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं तुम इसे बाइक पुलिंग केस बोल रहे हो असल में वो अटेम्प्ट टू मर्डर केस में फंसा है वो सच में बाइक के लिए गया था और कुछ भी नहीं सर देखो बेटा वो नर्सिंग का एरिया है हमारा ऑपोजिशन उस एरिया में वो पावरफुल है पूरे सिटी में मेरा ही पावर है बस उस एरिया को छोड़कर सर प्लीज मैं कुछ नहीं कर सकता तुम जा सकते हो सर 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 हट ये क्या कर रहे हो सर प्लीज सर वो सच में कुछ नहीं जानता सर उसकी फैमिली उसके ही भरोसे है सर दुबई जाना है उसे आप कुछ कीजिए प्लीज अरे उठ जाओ बेटा सर प्लीज मना मत कीजिए प्लीज सर उठो बेटा अब उठ जाओ देखो अगर तुम अपने दोस्त के लिए इतना कर रहे हो तो मैं भी कोशिश करूंगा अगर अगले 2 महीने बाद हमारा भूषण कॉर्पोरेटर बन गया तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा लेकिन इस वक्त मुझे ये बड़ा पंगा लग रहा है हाँ रुद्रा तुम जैसे ढूंढ रहे हो वो मेरे पास आया है सच में यहाँ जो है उनमें से मुझे कोई नहीं चाहिए बस उस कमीने का इंतजार है हाँ हाँ ए
ये लोग कहाँ गए? अर्जेंट काम से गए हैं, आपको बोलने के लिए कहा है। ए, चल जल्दी। क्या हुआ? वो पुलिस है। तो क्या? ये क्या है? इंश्योरेंस कार्ड, आधार कार्ड, अंदर डॉक्टर को। लेकिन ये सब क्यों? अंदर माँ है यार। माँ हॉस्पिटल में क्यों है? सुन, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। जा, पागल है क्या ये? जान दे। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरुण ने ये देने के लिए कहा है। वो कहाँ है? बाहर पुलिस। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे? जल्दी गाड़ी निकाल। ओए, माँ को हुआ क्या है? सीनू, यहाँ क्या कर रहा तू? हाँ माँ। क्या माँ सिर्फ तेरी है? मेरे माँ बाप नहीं है? बोलना। तेरा एक भाई भी, कुछ याद है तुझे? ऐसी बात क्यों कर रहा है यार? ए, क्या खानदान है तुम्हारा? तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को डुबाया और अब तुम मेरे भैया को? अरे, हमें मार के ही छोड़ोगे क्या? ए, ऐसे कैसे बोल रहा है? ए, मैं ऐसे ही बोलूंगा इसको। मैं सूरी को छुड़वा लूंगा, उसे लेकर आऊंगा। कैसे लेकर आएगा तू? हाँ बोल, कैसे लेके आएगा? बना मत मुझे। तेरी वजह से ही मेरे भैया जेल में है। सीनू, जल्दबाजी मत कर, हम कुछ करते हैं। पीछे, तेरे से पुराना रिश्ता मेरा, उससे बोला ना, उससे छुड़वा कर लाऊंगा। ए, तेरी बात सुनने के लिए खड़ा रहूं? अपने बाप जैसा बेवकूफ नहीं हूं। चल हट। ये क्या कर रहा है? ये मुझे मारे, पीटे या मार दे, मैं सहूंगा। मेरे दोस्त का भाई है ये। बंद कर अपने इस ड्रामे को। सीनो, मेरी वजह से सूरी, मां और तुम सब परेशान हो रहे हो, ये बात सच है। लेकिन ये सब अनजाने में हुआ है। नई बाइक पर अपनी मीनू को सरप्राइज देने निकला था। राजू, अपना स्कूटर यहाँ से हटाना। मीनू। हाँ भैया। इलेक्ट्रिशियन आकर बाहर की वायरिंग चेक करेगा, तुम दरवाजा बंद रखना। ठीक है भैया। कुछ चाहिए तो अभिनव को कॉल कर लेना, ठीक है? मीनू, कभी तुम भी चलो हमारे साथ। कभी भाभी, पढ़ाई करनी है। मीनू, ख्याल रखना। ठीक है भैया, बाय। बाय बाय टिंकू। अभिनव कहाँ है? पता नहीं भाई, कहाँ गया है? कोई नहीं, मीनू घर पे है, ख्याल रखना। ठीक भाई। ओके। हाँ भाई। अबे, हाय, मैं निकल चुका हूँ, रेडी हो ना? 20 मिनट्स, ऑपोजिट स्ट्रीट में वेट करना। ओके, जल्दी। हे साले साहब, लगता है इलेक्शन में बहुत बिजी हो, कहीं इस बार भी साले साहब की नजर में ना पड़ जाऊं। हेलो मैडम, सर आ गए। इतनी जल्दी? कहाँ जल्दी जाना है और कहाँ देर से जाना है, लड़के अच्छी तरह जानते हैं। वाह, लगता है सर बहुत अच्छे मूड में। 10 मिनट वेट करो, रेडी होना है। ओके। वैसे तुम इतनी फ्रीली कैसे बात कर रही हो? सब श्री सैलम गए हैं ना? आज टिंकू का बर्थडे है, इसलिए तो अपना प्रोग्राम बनाया। ओ। अरे सुनो, यहाँ नरसिंह यादव जी का घर कहाँ है जानते हो? यहाँ से सीधे जाके राइट लोगे तो या तो 24 या तो 25 नंबर का मकान है। ओके। टॉप फ्लोर पर लेफ्ट साइड का घर। अच्छा, लेफ्ट। हाँ। ओके, थैंक यू।
ये एड्रेस बता सकते हैं सर? हैदराबाद में हर चीज के लिए सीधा जाना पड़ेगा। वो उधर से? हाँ सीधे। कैली फ्लावर 20 रुपए के दो। आइए आइए, हरी हरी ताजी ताजी सब्जियाँ लीजिए लीजिए, हरी मिर्च, कैली फ्लावर, आइए आइए, ताजा ताजा भिंडी। जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, रूल्स की परवाह नहीं करते। कुछ पूछो तो कहते हैं हमारी मर्जी। जवान है। अरे हम भी तो जवान हैं। रास्ता तो बंद है। अब ऊपर कैसे जाओ? अच्छा इस तरफ से। ला 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 ला। मार 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 मार, उड़ा दे। हेलो मैं और कितने फ्लोर्स है? मीनू दरवाजा तो खुला है। साले साहब के घर पहली बार आया और लेफ्ट पैर रख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनू 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 कहाँ है ये? मीनू झांसी का फोटो। कुछ ज्यादा ही बड़ी फैन है ये तो। खैर कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। माय न्यू फैमिली। ये क्या, मीनू एक भी फोटो में नहीं है? कहीं पड़ोसी के घर में तो नहीं आ गया? हर बार यही प्रॉब्लम होती है। मीनू कम से कम इस बार तो ठीक कर दो। करता हूं। कितनी बार समझाना पड़ेगा आपको? I'm coming. ला 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 शायद भूल गए ना तुम। अब मैं जैसा करूंगा वैसा कर लो। अरे अंदर कोई नहीं है ना, तुम भूल गई हो। अरे जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो? आपको पता चल गया तो चलो चलो। आता हूँ साहब, मेरा काम खत्म करके आता हूँ। तुमने ही तो आने कहा था। चलो। क्या कर रही हो? मीनू पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, चाय कॉफी नहीं पूछोगी क्या? अरुण मैं तुम्हारे हार्ट चोटी हूँ, शांत रहो। ओ बाप रे। अरुण बचपन से ही बाइक बहुत फास्ट है यार तुम। मैं तुम्हें बहुत जल्दी है, रोड पर वेट करने को कहा था ना। वेट ही तो कर रहा हूँ। टेक योर ओन टाइम अरुण प्लीज। अरुण
प्लीज। हे, ये क्या? घर है। घर? रुको। ओके। अरुण, नो अरुण। ए, एक मिनट। इट्स नाइस। इतना घबरा क्यों रही हो तुम? हाँ? बस नाइस। मतलब मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा, बट इट्स नाइस, वेरी गुड। तुम्हें इसमें और कुछ भी दिखाई नहीं दिया ना? कौन है? तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ कौन है। कौन है? कौन है? मैं हूँ। संभल कर रहना, पड़ोस में किसी ने झांसी दीदी का गला काट दिया है। अपनी झांसी दीदी? हाँ, गला काट दिया है। वो उनके घर में घुसकर गला काट कर गहने लेकर भाग गया है। सुना इसी कॉलोनी में, सब ढूंढ रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, एक तुम भी नजर रखना। अरे वो ऊपर ही है, उसे छोड़ना मत। मैंने उसे देखा है। बेटी तुम ध्यान रखना, उसने काली पैंट और नीली शर्ट पहन रखी है। सुनो, उसने काली पैंट और नीली शर्ट पहन रखी है, उसे छोड़ना मत, पकड़ो उसे। जब मैं आ रहा था तो देखा सीढ़ियों से कोई भाग रहा था। देखो इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रीट ब्लॉक कर दो, पूरे एरिया को ब्लॉक कर दो। सुनो, अपने कुछ लोगों को ढाबे पर भेजो, इस बार इस कॉलोनी से वो नहीं उसकी लाश जाएगी। ए, तू दीदी के साथ जाना? आप दीदी के साथ जाइए दादा, मैं यहीं रहूंगा, उस कमीने को मार कर ही आऊंगा। तो ठीक है, तुम लोग जाओ, जिंदा मत छोड़ना उसे। एक गेट के पास भी कुछ लोगों को खड़ा कर दो। मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ घर जाओ, घर जाओ। तुमने तो डरा ही दिया। तुम भी तो अचानक चली गई ना। पड़ोस वाले घर में चोरी हुई है। अच्छा, ये सब यहाँ रेगुलरली हो रहा है। रेगुलरली? हाँ, चोर अब तक कॉलोनी में ही है। अच्छा, सब ढूंढ रहे हैं उसे। उसने ब्लैक पैंट ब्लू शर्ट पहनी है। ये क्या, तुमने भी सेम कलर की ड्रेस पहनी है? कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा। उस चोर ने भी इसी कलर के कपड़े पहने हैं। कौन से घर में हुआ है? यहाँ इस तरफ, झांसी दीदी के घर में। झांसी? किसी ने उनका गला काट दिया। झांसी, मैं तो उसी। शिट, शिट, क्या हुआ? शिट। क्या बात है यार? मीनू, मैं अरे इतनी भीड़, क्या हुआ, क्या है? बाइक को नो पार्किंग में खड़ी करके अंदर गया। अब मेरी बात सुनो, उसने ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट पहनी है। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक वो मिल नहीं जाता, जब तक हम उसे मार नहीं देते, हम ब्रेक नहीं लेंगे।
हम ब्रेक नहीं लेंगे क्या? ब्रेक नहीं लेंगे, देखो जी साहब। उधर कोई नहीं है भाई, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? दो दिन से काम नहीं कर रहा भाई, खराब हो गया। क्या चल रही है? ए नमन, हाँ अरे तेरी बहन तो हमारी पार्टी में थी, तो तू इनके साथ क्या कर रहा है? अपनी पार्टी अपने पास रख, अपनी बहन के कातिल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैसा लीडर है तू, ऐसे टाइम पे भी राजनीति कर रहा है? भैया मुझे जाने चाहिए। भैया मुझे रोक रहा है वो, तुम्हारी तरह बेकार नहीं घूमते, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ ए चलो जाओ यहाँ से। ए उठ, कोई नहीं जाएगा, चोर के मिलने से पहले अगर कोई हिला तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा। चोर थोड़ी मैं होने वाला, कॉर्पोरेट रूम में जाने देने। इस तरह बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो तुम? अगर तुझे क्या करेगा, मारेगा, मारेगा मुझे, खबरदार जो हाथ लगाया तो। भाइयों जनता के लिए कितनी भी मार खा लूंगा मैं, कितनी भी बातें सुन लूंगा, भूषण गौड़ हूँ मैं, तुम सब मेरे अपने हो, तुम्हारा होने वाला कॉर्पोरेटर भूषण गौड़। जिंदाबाद। आखिर बात क्या है अरुण? तुम्हारे घर आने से पहले तुम अकेले थे या कोई और भी था उस घर में? पता नहीं मीनू। पागल हो क्या, उस घर में तुम गए ही क्यों? अरे मैं कंफ्यूज हो गया था, पर मैंने कुछ किया नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात उनसे कहोगे तो वो मान लेंगे। हाँ इसीलिए तुमसे कहा था ऑपोजिट स्ट्रीट में वेट करो, अगर मेरे भाई के आदमियों ने पकड़ लिया तो। वो आदमी है गुंडा है, वो बाइक को देखा ना, तुम्हारे भैया ऐसे लोगों के लीडर है। तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ जानता हूँ, देखी उनकी गुंडागर्दी। क्या देखा, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो, जनता का भला करने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं। पता है इस कॉलोनी के लिए क्या क्या किया है? सिचुएशन जाने बिना मत बोलो अरुण। ओके सॉरी, कुछ नहीं कहूंगा उनके बारे में, लेकिन मीनू मैं यहाँ जितनी देर रहूंगा उतनी प्रॉब्लम होगी। अरुण क्या हुआ? कोई मिला? कोई नहीं। क्यों भूषण जी, ये बात सच है क्या, आपकी कॉलोनी में चोर घुस गए क्या? क्या सर मजाक लग रहा है आपको, जानते हैं हमारी कॉलोनी में क्या हो रहा है? सब्जी वाले, वाटर कैंस वाले, इनका से क्या लेने देना है? बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते। अरे सभी झगड़े पे उतारू है सर, सिर्फ दो कॉन्स्टेबल भेज दिए, इनसे क्या होगा? आप आ रहे हो या नहीं? ए, सुन भूषण, पुलिस को कब कहाँ आना जाना अच्छी तरह पता है। अब आएगा देखना। ध्यान से। हाय। आओ आओ आओ। एमी ना, झांसी कैसी है उसके बारे में कुछ पता चला? कॉलोनी में जो हुआ उसकी न्यूज आ रही है टीवी पर, वो व्हाट्सएप में शेयर किया था मैंने। देखा तूने? हाँ देखा था। गैस की स्मेल आ रही है दीदी। ओ हाँ। वो इसी बिल्डिंग में कहीं छिपा है, उसे छोड़ेंगे नहीं। ढूंढ लेंगे।
भाई मैं तो डिलीवरी के लिए गया था भाई। बिल्डिंग के पीछे कौन सी डिलीवरी रे? भाई भाई हल्का होने गया था भाई, कोई चोर से शिरा लगा तो हल्का हल्का होने गया था। हल्का होने? ओए उस बूढ़ी औरत को यहाँ लेकर आओ। लो दादी आ गई। घूम से घूम, यही है ना? सुन लड़के मेरी तरफ देख, धत इसे तो देखना भी नहीं आता, उसने तो अजीब नजरों से देखा था। क्या कहा? अजीब तरह से देखा? वो मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा। है ये बुढ़िया भी ना है? वो कोई मामूली बुढ़िया नहीं है, हमारे एरिया की सीसीटीवी है। हा? अगर दोबारा तुम्हें देख लिया ना तो पहचान लेगी। कुछ तो करना होगा। अरुण कम ऑन थिंक, क्या हुआ? मुझे पेन पेपर चाहिए। ये पेड़ कहाँ है? पास के मंदिर में। और ये वॉल की हाइट? इस बिल्डिंग से आधी हाइट होगी। ओके ठीक है मीनू, मैं जा रहा हूँ। अरुण अरुण कहाँ? माँ का कॉल है। अरुण बहुत हाइट है, रिस्की होगा। इन लोगों से ज्यादा रिस्की नहीं है, कोई बात नहीं। अरुण लेकिन केयरफुल, बी केयरफुल। अरुण संभल कर। हेलो हाँ बोल। उधर चोर को जल्दी पकड़ लेंगे। अरे तेरा दिमाग खराब है? वो चोर कौन सा हम दोनों की तरह अमेज़न नेटफ्लिक्स में क्राइम सीरीज देखता है? उस बॉटल पर उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे, अगर वो लेकर फॉरेंसिक लैब में दे देंगे तो उसका आधार कार्ड पैन कार्ड ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स बाहर आ जाएगी। हाँ नहीं तो क्या, झांसी दीदी को मारेगा तो हम देखते रहेंगे, पूरा इलाका हिला देंगे। हाँ फिर कभी हमारे एरिया में आने की हिम्मत नहीं करेगा। तो दोबारा यहाँ आने की सोचेगा तो पैंट में ही मूत मारेगा। अपने आप को समझता क्या है? सर मुझे क्यों लगेगा, शेर हूँ मैं, शेर कब्बर शेर। कौन है? ए, कौन ऊपर? अभी कौन कॉल कर रहा है? मैं कॉल बैक करता हूँ। अबे सुन 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 सुन, मानी मैं सूरी बोल रहा हूँ। इस वक्त फोन करने के लिए सॉरी। हाँ अब रख दे। ओए तूने उसको प्रपोज किया क्या? शादी करने जा रहा हूँ, काम की बात कर। अरे सॉरी। ओके ओके अब मेरी बात सुन, सुबह जो मैंने तुझे एक पैकेट दिया था ना तो उसमें मेरा पासपोर्ट ऑफर लेटर और टिकट है, उनकी फोटो लेकर जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर भेज दे। पासपोर्ट? अरुण शिट। अरुण क्या हुआ यार? वापस क्यों आ गए, बात क्या है? मेरे जाने से पहले बाइक का जाना जरूरी है। तुम पागल हो क्या, बाइक के पीछे पड़े हो? बाइक बाद में ले जाना। उसका पासपोर्ट है बाइक में, अगर वो किसी को मिल गया ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पासपोर्ट बाइक में कौन रखता है अरुण? मुझे सपना आया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मेरी किस्मत ही खराब है इसलिए सब एक साथ हो रहा है। तुम्हारे भाई का गाँव जाना, तुम्हारे घर आना, पड़ोस में ऐसा होना, भागने की कोशिश कर रहा था तो सूरी का पासपोर्ट बाइक में रह गया। पागल हो जाऊंगा मैं। अरुण इट्स ओके, कूल। मीनू तुम बाइक से पासपोर्ट लेकर आ सकती हो क्या? मैं? नो 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 नो, देखा था ना बाइक के पास कितने लोग थे, मुझे किसी ने देख लिया तो? You are right. I'm sorry. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एनिमेटर फोन उठा। शिट किसे कर रहे हो? मैटर को करता हूँ यार, मैटर तू तो फोन उठा ले, कम ऑन। हाँ राजा सब सेट है, तीन खंबा लिया है, एक तंगड़ी कबाब। सुन सुन मेरी बात सुन, चुप हो जा मेरी बात सुन।
सच में? सूरी को मत बोलना, वो टेंशन में आ जाए। सच में? हाँ, हाँ, लड़की के घर पे फंसता बड़ी बात थोड़ी है। और ये बात सूरी को ना बताओ। अभी क्या चाहिए, गाड़ी निकलना है ना। ये यहाँ इतना सीरियस मैटर, इतनी सीरियस सिचुएशन है, न्यूज में भी दिखा रहे हैं। ए, मैटर का पसीना निकालने वाला मैटर हूँ मैं। आई नो ऑल द मैटर। अगर उस घर में एसी हो तो ऑन करके चिल मार, पलक झपकते पहुँच जाऊंगा। मीनू मैं भाई बोले भाई, बाइक के शोरूम में कॉल करके ओनर का एड्रेस मालूम करो। ठीक है भाई। हेलो, वन सेकंड ब्रो, सुपर्ब सिलेक्शन। इसे लेकर सड़क पर निकलोगे तो लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। अरे ऑलरेडी दौड़ रहे हैं। अरुण, हाउ इज द बाइक मैन, बढ़िया है ना? आई नो द स्पीड। मुझे लग रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर खूब एंजॉय कर रहे हो ना। शेयर द हैप्पी मोमेंट्स यार। सुन सुन, ध्यान से सुन, अगर कोई कॉल करके मेरा एड्रेस पूछे ना तो प्लीज बताना मत, प्लीज। डिस्काउंट चाहिए? जितने लोग हैं उन सबको भेज दे, एड्रेस प्रूफ है तो काफी है, पूरा बाइक शोरूम ही भेज दे। अरे यार, वो सेल में डिस्काउंट मांगने वाले नहीं, होलसेल में उड़ाने वाले लोग हैं। मैं सब क्लियरली समझा नहीं सकता, जो कह रहा हूँ उतना कर, ठीक है? ओके। ब्रेकिंग न्यूज, सीरियल अंधेरे दिए के साथ हम सबके दिल जीतने वाली एक्ट्रेस झांसी को एक बेदिल इंसान ने उनके घर में घुसकर चाकू से गला काट कर मारने की कोशिश करने की घटना स्नेहपुरी कॉलोनी में हुई है। अभी स्नेहपुरी कॉलोनी में इस घटना से डर फैला हुआ है। यहाँ के लोगों का गुस्सा देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या हो जाए। जिम्मेदार नागरिक की तरह ये लोग गुनाहगार को पुलिस को सौंप देंगे या फिर कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। टीवी बंद करो ना। इस बारे में एक्स कॉर्पोरेटर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अगर आज मैं कॉर्पोरेटर होता तो यही लोग उस चोर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देते। अरे हम दूर क्यों जाएं? मैं तो कहता हूँ ये चोरी नहीं होती। सुन रही है ना, ये चोरी नहीं होती। अब देखिए, हमारी जनता खाना पीना छोड़कर सड़क पर आकर बैठी है। न मुझे कुछ समझ में आ रहा है, न इन्हें कुछ समझ में आ रहा है। सब लोग परेशान है, आखिर ये चाहता क्या है? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा कॉर्पोरेटर है। नरसिंह यादव ही इसका जिम्मेदार है। मैटर फोन आया। हाँ हाँ बोल। तूने जितना बताया उतना मैटर नहीं है। इजी मैटर है ना? क्या नहीं, मुझे बाइक निकालने के लिए बहुत बड़ा एक्शन मैटर करना होगा। हाँ, इसीलिए तो तुझे कॉल किया, कुछ कर यार तू। मुझ में इतना मैटर नहीं है, मुझसे उम्मीद मत रख प्लीज। सुन, तू डर मत, अपनी लोकेशन शेयर कर, चाबी तेरे पास पहुँच जाएगी। कैसे? तू भेजना। मीनाक्षी, शाम के 4 बज गए, जीजू घर आ गए क्या? उनका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है। पता नहीं अभिनव। दीदी ने कॉल किया था? नहीं अभिनव, भाभी का फोन बहुत देर से स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है कहीं जा रही हो, कुछ चाहिए क्या? मैं मंगवा देता हूँ। ए मलेश। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। ओके ठीक है। मीनू, अभिनव तुम्हारे पीछे आ रहा है, ध्यान से। तेरी वजह से मेरा डब्बा फट गया होता। ये मुझे क्यों देख रहा है? मेरे तरफ मुझे जो चाहिए वो इस दुकान में नहीं है अभी ना। क्या चाहिए? बाद में बताता हूँ। बाद में क्यों? लेडीज प्रोडक्ट है। चाबी मिली क्या? आई थी, लेनी है।
लेनी है मतलब क्या? मैटा दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, अंधा है क्या तू? दिख रही है यार, बस लेनी है। यार तू ना एक काम ठीक से नहीं कर सकता। यहाँ क्या कर रहा है? म्युनिसिपैलिटी से सफाई करने के लिए। यहाँ के बाद बाजू वाली गली में आ जाना, चाय पानी दे दूंगा। हाँ? चाय पानी देगा? तेरी तो लिखा कर गया। ये गिला गिला क्या है? टेंशन से पसीने छूट रहे, और ये गर्मी। तुम्हारे भैया कैसे पहनते इसे? वो आएंगे ना तो उन्हीं से पूछ लेना। बहुत अच्छा है खाने में। ओए चल, तेरी तेरी वजह से मुंह से निकल गया। नाले का खाना कैसा है अंकल? खिलाता हूँ। चल म्युनिसिपैलिटी। तू म्युनिसिपैलिटी, तेरा बाप म्युनिसिपैलिटी, तेरा पूरा एरिया म्युनिसिपैलिटी। I'm away from Royal Enfield, the only Royal in the field. Time पर है। Lunch break. तेरे पास कुछ long और sharp है क्या? Long मैं हूँ, sharp मेरा brain है, use me man. इसमें अरुण की bike की चाबी गिर गई है, इसको बाहर निकालना है। Leave it to the pros. Pros? Pros मतलब वो pros नहीं, professionals. Oh. तू थोड़ा pervert है ना? वो सब जाने दे, ये matter देखना। We have to rely on physics. I got it. क्या कर रहा है? This is liquid and that's gravity. Physics में दोनों को मिला देते हैं तो ऊपर आ जाते हैं। अबे ये drainage है। Drainage भी तो liquid ही है ना, semi liquid. चल साइडो। This is physics in progress. तेरी तो सब खेल खराब कर दिया। अभी अरुण बाहर कैसे आएगा? वो और अंदर चली गई। अब चाबी कहाँ से लाऊं? दरअसल मुझे लगा पानी डालते ही चीज ऊपर आ जाएंगी। I think that's why I don't do well in physics यार. But it's too late to realize. अब टाइम वेस्ट मत कर, चाबी कहाँ से मिलेगी? मिलेगी। स्पेयर की है ना? की है? एम्प्लॉयज को स्पेसिफिकली सेफ्टी के लिए स्पेयर की देते हैं। किसी को बताना मत, ये सीक्रेट है। ठीक है, मुझे दे। ऐसे तो मैं नहीं दूंगा। एम्प्लॉय की है, मैं ले जाऊंगा। बाइक कहाँ है? उधर है। एए, डेंजर है, मार देंगे। बचपन में जब सब कैरम खेलते थे तो मैं स्नेक्स एंड लैडर्स खेलता था। या मैं स्नेक हूँ, वो लैडर है, चढ़कर आता हूँ। अरे अरे, तू थोड़ा पर्वर्ट है ना? तेरी तो हाँ मैटर। अरे उसे यहाँ क्यों बुलाया? मतलब वो नहीं जानता कि यहाँ सब मुझे चोर मान रहे हैं। शोरूम से चोरी हो गई ये कहकर भी तो ले जा सकता है। ओए, उसमें उतना मैटर है क्या? स्कूल फू, स्कूल में ही उसका मैटर पकड़ा गया था। अगर वो यहाँ पकड़ा गया तो तेरा मैटर क्लोज। मूव इट एक्सक्यूज मी, मूव इट व्हाट इज दिस यार? अबे क्या है, कौन चाहिए? अबे कौन चाहिए नहीं, क्या चाहिए? मुझे वो बाइक चाहिए। उससे तेरा क्या लेना देना? बाहुबली से राजा मौली का क्या रिश्ता है ये पूछोगे तो क्या बोलेंगे? एक माँ और बेटे का क्या रिश्ता है ये पूछोगे तो क्या बोलेंगे? शी इज माई बेबी यार, माई ब्रेस्ट फेड बेबी। साइडो। ओए, ओए, रुक। फिर से भीड़। मूव इट। एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज लिफ्ट योर फिल्थी बॉटम ऑफ माई बाइक? भाई ये बाइक लेने आया है। इस बाइक से तेरा क्या लेना देना? दोबारा वही सवाल, अभी तो तुम्हें इस सवाल का जवाब देकर आया था ना। एज इट इज बोल, मॉड्यूलेशन मिस मत करना। ये इसकी बेबी है। तू और तेरी बेकार की मॉड्यूलेशन, चल हट। नो वन नोज यू एज एन एक्टर, बॉलीवुड सेफ। हट जा। ये और तुम दोनों यही रहोगे। मुझे जानते नहीं इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। इट्स ओके, हट जा। क्यों बे, तू है कौन? बताऊं? बोल बे। आई एम द एम्प्लॉय ऑफ रॉयल एनफील्ड। यूएस गवर्नमेंट अपने एम्बेसडर्स को जितना सिक्योर रखते हैं, रॉयल एनफील्ड उनकी बाइक्स और बाइक के ओनर्स को भी उतना ही सिक्योरली रखता है। हट जा। ए, इसका मतलब तू जानता है इस बाइक का ओनर कौन है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डोंट यू हैव एनी सेंस? हट जा। बुला बुला,
उसे बोला कल रात को बाइक चोरी हो गई थी, सो एज एन एम्प्लॉय इस बाइक को लेने आया था। कोई बात नहीं, बाइक के ओनर का नाम और एड्रेस बता। ओनर का नाम और एड्रेस रजिस्टर में चेक करना होगा सर, दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एक लगाऊंगा ना तो तुझे सब याद आ जाएगा। सर योर मैन हैंडलिंग एंड दिस मैटर इज रियली गोइंग आउट ऑफ हैंड। क्या मैन हैंडलिंग, पागल समझ रखा है तूने मुझे? इतना मत घुमाइए सर, सीधा नहीं हो पाएगा। होना भी नहीं चाहिए सर। सर ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। तूने तो कहा तेरी बेबी है। मतलब मेरी ही बेबी है सर, डिलीवरी नहीं हुई, अभी लेबर पेन चल रहा है। वो चोर यहीं कहीं है, जब तक वो चोर नहीं मिल जाता तब तक तुम और तुम्हारी बाइक कहीं नहीं जाएगी, समझे? सर 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 सर, दिस बाइक इज शोरूम प्रॉपर्टी सर, अगर इसे कोई ले जा सकता तो वो मैं हूँ। ये कौन है? पागल है। अरे सुक्कू, मेरा फ्रेंड सेल्स मैनेजर। अगर मुझे किसी ने रोका तो अंकल को बता दूंगा। अंकल कौन है तेरा अंकल? बोला अंकल इतनी जल्दी? पुलिस पुलिस, सेव मी सर, पुलिस पुलिस, मेरा हाथ मोड़ रहा है, पुलिस पुलिस। भाई भाई मैंने जो पूछा है वो बता। इट्स वेरी शार्प नाइफ भैया, ये बाइक हमारे शोरूम की नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। इट्स नॉट माय बेबी, कोई मेल नहीं है हमारा, दिस इज रेड, आई मीन हेलो। ए चुप, देख क्या रहा है, गो, डोंट टच, बैठ उधर, चल चल, डोंट टच। रॉयली फंसा दिया तूने। एक बात बताओ, क्या स्विगी के फोन से भी स्विगी ऑर्डर कर सकते हैं? मतलब तुम्हें भूख? ये बाइक किसकी है? वो ये कंपनी सीक्रेट है सर, हर किसी को नहीं बता सकते, आपको तो बिल्कुल नहीं। मतलब तुमको पता है? मुझे नहीं पता सर, आपकी कसम। मारेगा क्या? कसम खाने से मर जाओगे। कुछ भी, ए गूगल करके इसके स्टोर का नंबर पता। अरे वो नंबर काम नहीं कर रहा। अरे बता भाई। जीजू जीजू, हेलो जीजू। हेलो जीजू, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। फोन कर रहा था। अरे आपको पता भी है कि यहाँ क्या हो रहा है? अब कौन है? जाओ, अंदर जाओ। ओके ओके। कौन है? मैं हूँ। मेरा फोन। शिट। जीजू फोन कर रहे हैं, तुम फोन नहीं उठा रही हो? वो ए आत्मा, रोक उसे, रोक उसे, उसे रोक कर रख, बैठा उसे, बैठा, तुम बात करो। अरे उसको बैठाओ, व्हाइट शर्ट वाले को। तुम ठीक तो हो ना मीनू? मुझे कुछ नहीं हुआ भैया। समझ में नहीं आता क्या? अभिनव ने सब बता दिया, ख्याल रखना, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं। घबराओ मत, अपने सब लड़के नीचे ही हैं। ठीक है भैया। कहां छिपकर बैठा है? पकड़ में आया तो छोड़ूंगा नहीं। ये दूध कहां रखा है? कहां रख दिया? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या चाहिए अभिनव? चाय, चाय पीनी थी मुझे। मैं बना देती हूँ ना। क्यों? नहीं नहीं, जीजू ने कहा था तुम्हें पढ़ना है तो डिस्टर्ब ना करूं, तुम जाकर पढ़ो, मैं बना मैं बना देती हूँ। मैंने कहा ना जाकर पढ़ाई करो। प्लीज। अरे आर यू मैड? मेरा फोन, फोन मेरा फोन कहाँ है? ये लो। इसे सुबह से कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा? ये फोन तुम्हारा है? बैटरी बैकअप कैसा है इसका? अच्छा ही है। अभी ना चाय पियोगे या कॉफी? अरे कुछ भी ले आओ तुम। भाई भाई हाँ, पुलिस आई है। पुलिस आई है? हाँ भाई। आटा साहब लोग चल मांगे। सर ये सब इधर क्या कर रहे हैं? शूटिंग मीटिंग चल दिखाई थे। अरे तुम लोग को बोल रहा हूँ। किधर हुआ है? थर्ड फ्लोर पे सर। हाँ? चोर उधर ही है क्या? हाँ है सर। इतना पक्का कैसे बोल रहा है? तेरा एसआई किधर है? पुलिस स्टेशन में है सर। क्रिकेट खेल रहा है क्या? मौका है वारदात पे आता नहीं है। ए सर बाइक हटा रहे। हाँ अच्छा हुआ आप आ गए सर, ये हमारे किसी को परवाह नहीं है। अभी मैं आ गया हूँ,
पूरा कॉलोनी में जो भी प्रॉब्लम है लिख कर उस पे दस्तखत करके दे दो, एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा। सर वो मैंने बाइक हटाने को बोला था ना। ये है कौन? इससे पहले तो कभी देखा नहीं इसको। खुद ही पूछ ले। सर क्या मैं जान सकता हूँ आप किस सर्कल से हैं? आईजी से ऐसे सवाल पूछ रहा है तू? 2013 से 2020 तक 457 केस बिना किसी का मदद लिए वन मैन शो में हैंडल किया। हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन गैलेंट्री अवार्ड लेने वाले इस सुनील से पूछ रहे हो? मैं कौन हूँ? यहाँ किसी से भी नहीं हो रहा इसलिए स्पेशली दिल्ली से भेजा है और तुम पूछते हो मैं कौन हूँ? चोरों को पकड़ने के लिए शेर की तरह शिकार करने वाले से पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? 24 तास के अंदर इस कॉलोनी में हो रही सब चोरियों पर पुलिस स्टॉप लगाकर चोरों को जब पकड़ूंगा तब पता चलेगा मैं कौन हूँ। सर कितनी बार बोलेगा बाइक हटाने का? चाबी नहीं है सर। अरे चाबी नहीं है बाबा। मैं सीरियल देख रही थी, किसे पता चलेगा? चुप। हाँ वही है, वही है। चुप हो जाओ। आ रहे चाबी तुमसे कड़े आएगा? नहीं है सर। और गुस्पोस क्या कर रहे हो? सर अमावस्या के दिए सीरियल में 473वें एपिसोड में सावित्री से शादी करने के लिए एक आदमी आता है। आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं सर, यही बता रही थी मैं इसको। नहीं सर, रेगिस्तान सीरियल में मंदिर के बाहर एक भिखारी होता है ना। अरे नहीं रे, पुत्रे को सीरियल में पोलो टी शर्ट पहन कर पकौड़े बेचने वाला बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, वही है ना? हाँ सही है। सच में सर, आई लव यू सर। सर चांस मिले तो नायरा का भाई बनकर अगर कार्तिक को सच बता दिया जाए तो वो दोनों मिल जाएंगे सर। मिला देते हैं, मिला देते हैं सर। अरे क्या बोल रहा बाप? अबे तुझे क्या मैटर दिया था और तू क्या मैटर कर रहा है? इधर ना, मेरे को दो लेडी फैन मिल गई और एक आदमी कौन है? तू जाकर सेल्फी खिंचवा। यार मैटर तूने कहा था कोई नहीं पहचानेगा। मुझे क्या पता था कि वो इतना पॉपुलर है। द पावर ऑफ द सीरियल आर्टिस्ट, पावर ब्रांड है सर। अबे मैटर कही के सिर्फ एक छोटा सा मैटर दिया था, तूने इतना बड़ा मैटर बना दिया। आप भी ना। कौन हो तुम? अभी तो बोला था सुना नहीं। लगता है नहीं सुना। इस बार दोबारा बोलिए डिफरेंट वेरिएशन के साथ। तो आप रेडी हैं सर? रेडी सर, एक्शन। क्यों रहे? 2013 से 2020 तक 457 केस बिना किसी का मदद किए सिंगल हैंडेडली हैंडल किया। हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन गैलेंट्री अवार्ड लेने वाले से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? कोई नहीं बोल पा रहा ये डायलॉग भी। इधर किसी से नहीं हो रहा था इसलिए स्पेशली दिल्ली से मेरे को बुलाया और तू पूछ रहा है कौन हूँ? ये तो भावनाओं में बह गया। रो किसे? इस बार डिफरेंट डायरेक्शन के साथ चोरों का डायलॉग बोलिए। चोरों को पकड़ने के लिए शेर की तरह शिकार करने वाले से पूछ रहे हो कि कौन हो? वो लोग तुझे वही सुला देंगे। अंदर इस कॉलोनी में हो रहा सब चोरी के ऊपर फुल स्टॉप लगाऊंगा। इतना कुछ करने के बाद तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? मस्त किया ना? मस्त सर, मस्त। वो सब समझ गया। तू प्लीज जाना मेरे बाप, प्लीज। और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है ना? ऐसे परफॉर्मेंस किया। मुड़ जाइए सर। मारेगा? हाँ बिल्कुल मारेगा। वापस मारेगा? हाँ मारूंगा। चलिए सर। लेकिन तेरी तरह बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं मारूंगा। ये बता किसने भेजा है तुझे? मतलब आरजीवी की नई पिक्चर है ना, ऊपर जाओ। उन्होंने बोला सैटेलाइट पे कैमरा है, एम्बरपेट लोकेशन पे आ जाओ, बाकी कुछ नहीं पता। ए चुप, फोन पर किससे बात कर रहा था? असिस्टेंट डायरेक्टर से। असिस्टेंट डायरेक्टर? फोन लगा। फोन लगा। फोन, थैंक यू। फोन को स्पीकर पर डाल स्पीकर पर। स्पीकर बंद कर। एकदम सुपर गाना है सर। भाई आवाज उधर से। साइडो। अरे पकड़ो उसे, रोक।
बज गए, सब लोग चले गए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, भाग जाते हैं इधर से। उस ऊपर नाम की पिक्चर में मुझे भी चांस मिलेगा तो मैं भी ऊपर आ जाऊंगा। दोनों मिलके ऊपर जाते हैं, इधर कंपटीशन बहुत है, यूट्यूब में शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और फेस्टिवल में भेज देंगे, ठीक है ना? चल ए केबल, चल चलते हैं। मेरी दारू? अरे मैं दिला दूंगा। हाँ। चलें क्या? हाँ चलो चलते हैं। चलो चलो अपना काम करते हैं। चलो। ओए ओए रुक रुक। अरे ये सब कहाँ गए? अरे कहाँ गए वो? भाग गए। ए वो जिससे फोन पर बात कर रहा था वो यहीं कहीं है। हाँ भाई। ए एक काम कर, बाइक तोड़, बाइक तोड़ो, जाओ। ए आत्मा अंधेरा होने वाला है, लाइट्स को ऑन करो। जा जल्दी जा। जाना होगा। नीचे सिचुएशन देख रहे हो कैसी है? वो चाहे जो करे मैं जाऊंगा। पागल हो गए हो? क्या बोल रहे हो? समझ में भी आ रहा है? समझ में आ रहा है, इसीलिए जाना होगा। तुम्हारे भैया कभी भी आ सकते हैं, ऐसे में हमें साथ देखकर मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं चलता हूँ। भैया को आने में अभी टाइम है अरुण। मेरी बात समझो, मुझे जाना होगा, प्लीज। प्लीज अरुण, मीनू छोड़ो मुझे। मीनू कितनी बार कहूँ अरुण प्लीज हटो, प्लीज हटो, मैंने कहा। मीनू क्या है ये? हटो, चलो हटो मीनू, मुझे तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? भैया चाहे कुछ भी समझ ले, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। I love you, Arun. कौन है तू? कौन है तू? मेरी मेरी बात सुन। क्या बताओगी मीना, क्या बताओगी तुम? भैया आई कैन एक्सप्लेन। तू क्या एक्सप्लेन करेगा? तुझे देखते ही मुझे शक हो गया था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मैंने बुलाया था इसे। मीनू, मीनू हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम सबको लगता है अरुण छोड़ रहा है, पर ऐसा नहीं है अभिनव। तुम सबको गलत फहमी हुई है। ये तुम क्या कह रही हो मीना? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही लोग प्यार का नाम लेकर धोखा देते हैं। इसको तो नहीं है अभिनव, यकीन करो। भैया भैया सब मेरी गलती है। ए? मीनू ने मना किया फिर भी मैं आ गया, सरप्राइज देने आया था, लेकिन भाई मिस्टेक पड़ोस में चला गया। वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सब मुझ पर शक कर रहे हैं। क्यों नहीं शक करेंगे? तुम सच कह रहे हो, ये मैं कैसे मान लूं? हाँ मत मानो, समझ लो मैं चोर हूँ, चाहे तो पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन उससे पहले नीचे जो बाइक है उसमें मेरे फ्रेंड का पासपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्स है,
बस उन्हें सेफ रख दो। मीनू की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं चाहता इसके भैया इसे गलत समझे। प्लीज भैया प्लीज। अरुण पुलिस के पास जाने को भी तैयार है, पर ऐसा मत करना। अरुण बहुत अच्छा इंसान है। प्लीज अभिनव। मीनू तुमने ना जाने कितनी बार मेरी मदद की है, एक बार और कर दो प्लीज। मीनू लोगों को डाइवर्ट करके तुम्हें निकालता हूं। मां कितनी बार कॉल करोगी, मैं कॉल बैक करता हूं। पुलिस। अरुण चलो। ओके इस तरफ यहां अंदर। ठीक है। तेरा जीजा कहां बे? ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ मैं बाद में कॉल। अरे माँ नहीं, मैं ऑटो ड्राइवर बोल रहा हूँ साहब। माँ का फोन तुम्हारे पास कैसे? आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ साहब। एक्सीडेंट? क्या बोल रहे हो तुम? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बस मुझे क्या, मैं अपना काम कर लूँ। जीजू घर पर नहीं है ये पता है ना? उसी को बुला ले, उसके सामने ही अपना काम कर लूँ। आ गए ना तब तुम्हारी समझ में आएगा। तेरे जैसे कुत्ते झुंड में ही भौंकते हैं। मुन्ना बालकनी में चेक कर। ओके सर। एक बेवकूफ आदमी ने बाइक चलाते हुए एकदम से ब्रेक मार दिए, उस वजह से मुझे ऑटो को घुमाना पड़ा, और घुमाते वक्त आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया साहब, मैं ही हॉस्पिटल में लेके आया हूँ। एक्सीडेंट? माँ अभी कहाँ? आईसीयू में है वो साहब। आईसीयू? अब वो कैसी है? वो तो डॉक्टर ने नहीं बताया साहब, बिना बताए आईसीयू में लेके चले गए। ठीक 12:30 बजे वेंगल राव पार्क के पास हुआ था साहब। तेरे जीजे ने लगता है भ्रष्टाचार से बहुत माल पीटा। तुम कुछ ज्यादा ही बोले हो रुद्रा। ये मेरा रूम है। देख तुझे छूंगा तो तेरे भाई को गुस्सा आएगा। मेरे काम के आड़े को आता तो मेरी खोपड़ी हटती है, इसलिए कहता हूँ मुझे सुकून से काम करने दे। चल हट, हट बोलाना। रुद्रा औकात में रहो। मुन्ना सर कौन कहता है कि यहाँ के चोर को भगवान भी नहीं पकड़ सकता? मैंने पकड़ लिया। ये क्या है? ये तू बताएगा क्या ये? पता नहीं। अच्छा तो बिजी थी इसलिए नहीं पता ना? तेरे भैया को पता है? हाँ? पकड़ लूंगा। नई बाइक नया चोर पकड़ लूंगा। ए, कौन है रे? हाँ? ए, कौन है उधर? पकड़ उसको, पकड़ना बे, भाग जाएगा वो, पकड़ पकड़, छोड़ना नहीं उसको, वो किसी भी आदमी भागना नहीं चाहिए। अबे वो ऊपर जा रहा है, जिधर है उधर ही खड़ा रहे, नहीं तो ठोक डालूंगा। ये जाना जल्दी। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हे रानी काहे सुतत बड़ू भुइया हो, अपुरा दहिया में चुभता सुइया हो। डुएट गाना है लेकिन हम अकेले बानी अकेले गा लेते हैं। हे रानी काहे सुतत बड़ू भुइया हो, अपुरा दहिया में चुभता सुइया हो। अरे भागे लुका है भोजपुरिया मरद से, भागे लुका है अरे भोजपुरिया मरद से, मरद से मरद से। लड़किया कहती है आदमी हो, अरे मुहानी हो, अमुआनी हो, हो।
पैसा लेबे में सौरभ टिंकू बाबा के तरफ से बहुत सारा प्यार। हां ये दोनों भाई के देख के मुझे लग के हम बड़ पाए ये छोट भाई हमारा। अरे बा नहीं तो ये भाई लोग से पैसा लेबे में बड़ी शर्म लगला कि हमारा के तरह से छोट छोट भाई लेकिन कमा भी यही लोग रहा है। किरानी काहे सुतत बड़ू भुइया हो छोटे बाबा ना कल है कि अभी ना बाद में रानी काहे सुतत बड़ू भुइया हो मंच पर आवे पड़ी रहुआ और गोलू भाई के विशेष आग्रह बा कि मंच पर आवे के बाद रहुआ सबके बीच में मंच के एगो अलग अंदाज से आपके दिल पर राज करे वाला गोलू राजा भाई आगिल बने एक बेरुआ सब थप्पड़ी बजा के आशीर्वाद दे दी। गोलू राजा भाई के साथ में शिव कुमार बिक्कू भाई खूब गाना उनको बाजे था फलानवा के बेटी वाला गाना धमाल मचैले बा। हाँ, हाँ, स्वागत बा आप आज पैसा भी उड़ाई लोग गाना भी गाई लोग डांस भी कर लोग जितना कलाकार लोग आइल बा हमार कल काम ना रही तो हम ना इजे रात भर रही जाई और सौन निशा नाम से हमारा काफी प्रेम हम बचपन से आ छोटे रहे खाती एक बेर थपड़ी बजाए रहे ई रसिया हमरा के छोड़बे ना करेला काहे के भाई रानी काहे सुतत बड़ू भुइया हो पूरा दुनिया में छुपा सुइया हो रानी काहे सुतत बड़ू भुइया हो पूरा दुनिया में छुपा सुइया हो आज लूटा है भोजो दुनिया महाराज से आज लूटा है भोजो दुनिया महाराज से बक्सर जिला में हमने के कमलवास से चैसन डांस कर ले आवा आवा कि अरे मुहानी हो हम जान के दौरान जब मरद के लोट नहीं सहबू कैसे ससुरा में रहबू एक बार इस छोटे से बच्चे के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। वाह हाय उम्र में तो हम हाय ना मारे सिकल रहे हम बस हाय मारते हैं। जब मरद के लोट नहीं सहबू कैसे ससुरा में रहबू हमनी के तो बिगाड़ के माटी कहिए दल एकरो के माटी करब जबले देही में पाए नहीं तबले लय नहीं। दुनिया के कोनो ऐसा लयदार नहीं खत जकरा में 2-4% पाए नहीं है जरे पैदार ना होइबो जरे लयदार ना होइबो। हां वो जोन कहे के बा कितनी कम हर दादा दई राजा हाथ में लेके ना छेड़े हेल ना छेड़े की
बिल्कुल अरे फलाना दार तू अपन नाम शिव कुमार भी कुना शिव कुमार फलाना तन दोनों भाई ना चलो हम लोग तन को मरता बाद कहे तेरा लुका लुका बच के लब से कहे तेरा लुसी बोलूं के लब से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक जोरदार ताली बजाएं। हाँ सर अभी पकड़ा है उसको सर आपको पूरी अपडेट्स देता हूँ सर। मुझसे बच के भागेगा 5 घंटे से हमारे नाक में दम करके रखा है अब खुद ही आ गया। सरेंडर करने आया था सर। किस लिए बे? आपसे बचकर भागा था ना। ओ तो ये बता झांसी के घर में चोरी तूने ही की थी? हाँ। और झांसी का गला काटने वाला? मैं ही था सर। और अकेली औरत के घर में उसके पति की गैर मौजूदगी में घुसकर पैसे गहने चुराने वाला? मैं ही था। 6 महीने से चेन स्नैचिंग पिक पॉकेटिंग करने वाला? सब मैंने ही किया है। हाँ सब कुछ तूने किया है और खुद ही आ गया? हृदय परिवर्तन हो गया या एनकाउंटर से डर के आ गया? अब कोई भी इल्जाम मुझ पर लगा दीजिए मैं कन्फेस कर लूंगा लेकिन जो आपने सूरी को अरेस्ट किया उसे छोड़ दीजिए वो बेकसूर है। ओ तो ये बात है। छोड़ दूंगा सिर्फ एक और सवाल है उसका जवाब दे दे तो उसको छोड़ दूंगा। और कौन कौन है तेरे साथ? और कोई नहीं है सर मैं अकेला ही हूँ। अकेला कहाँ से सर? पिछले 6 महीने से लोग कॉलोनी में सो नहीं पा रहे। अरे कम से कम 3-4 लोग होते हैं। ए भूषण कॉलोनी में सिर्फ पैसे वालों को ही टारगेट करना है उनके डिटेल्स कहां से मिलते हैं? कोई अंदर का ही बंदा तुझे इंफॉर्मेशन देता है? देख तू कॉपरेट करेगा तो अच्छे से डील करूंगा वरना। ए, ये सब क्यों किया? ए, जीजू, जीजू, नहीं जीजू, प्लीज प्लीज ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं पुलिस स्टेशन है। ए, जीजू। तो कहां थे? इंफॉर्मेशन बोलो। किसी ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ए फिर से झूठ बोल रहा है? अगर तुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है तो झांसी के घर पे चोरी करके यहाँ क्यों आया? भाग रहा था तो लोग पीछे पड़ गए डरकर घर में छुप गया। उसी घर में कैसे? कॉलोनी का मोस्ट सिक्योर्ड हाउस पुलिस की भी नो एंट्री। ऐसा नहीं लग रहा कि तू उस घर में चोर की तरह गया था बल्कि नए दामाद की तरह तेरा वेलकम हुआ था वरना इतनी आसानी से कैसे घुस गया वो भी डायरेक्टली उसकी बहन के बेडरूम के अंदर। चल बता मेरे साले नरसिंह यादव की मदद से ये सब किया ना। बोल दे उसी की बहन ने दरवाजा खोलकर वेलकम किया। रुद्रा ये भी बोल दे कॉर्पोरेटर की मदद लेकर जनता को धोखा दे रहा हूँ। बोलो झूठ बोल रहा हूँ? पर ये कौन है? पूछ रहा है ये कौन है? हाँ ये कौन है ये जाने बिना इनकी बहन ने तेरी मदद की? ए मुन्ना सर ले आओ उसे। जमाना बहुत खराब है। देखो वो क्या कह रहा है तुम्हारे भैया को नहीं जानता शायद अब तुम्हें भी नहीं पहचानेगा मगर तुम ऐसी लड़की नहीं हो। बताओ कौन है ये? सर सर मैं इसे जानता हूँ कुछ दिन साथ में काम किया पर इससे इसका कोई लेने देना नहीं है सर। लेकिन मैंने तो बहुत कुछ सुना है तुमने इसे सब कुछ बहुत अच्छी तरह सिखाया है ड्राइविंग और न जाने क्या क्या सुना है तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया। हाँ
वो क्या कहते हैं उसे, लव ब्रेकअप और क्या क्या हुआ बता। ए रुद्रा, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। मैंने कुछ गलत नहीं किया भैया। ऑफिस के बाद वाला सीन। सर मैं मान रहा हूँ ना, मैंने किया और क्या चाहिए। सर आपको मानने की जरूरत नहीं है, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए, आई विटनेस भी है, और क्या चाहिए हमें। तू सामने आकर पीछे किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा है ना, उसे सामने ला। आपके और उनके बीच जो भी है वो बाद में देखना, सबको मेरे केस में क्यों घसीट रहे हो। देखो ये सब मैंने किया है, सूरी को बाहर निकालिए। अरे जब उसने खुद कबूल कर लिया तो कार्पोरेटर को बीच में क्यों ला रहे हो। मीना का इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो उसे। चल ठीक है। ए सर ले आओ उसे। सर सर ये सूरी नहीं है, सूरी कहाँ है। क्यों रे, बाइक के लिए यही तो आया था ना। हाँ। तेरे सामने ही तो इसे पकड़ा था ना। हाँ अरे मैंने ही तो पकड़ के आपके हवाले किया था। हाँ। सर, ये सूरी नहीं है। नरसिंह यादव को तो जानता नहीं है, उसकी बहन से तेरा कोई लेना देना नहीं। अब कह रहा कि ये तेरा दोस्त नहीं। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है बे। सर सच कह रहा हूँ, ये मेरा भाई नहीं है। अच्छा सच में ये तेरा दोस्त नहीं है। नहीं सर। तो फिर कहाँ है वो, चल कॉल कर उसको। बहुत देर से स्विच ऑफ है सर। तो एक काम कर, मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दे उसकी, वो जहां भी होगा लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी। मेरा यकीन कर, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, इस कांड में तेरे साथ और कौन कौन शामिल है उनका नाम बता दे। तेरे दोस्त को अभी ढूंढ के ले आऊंगा, बता। बताता हूं। बता। हाँ मेरे साथ और भी लोग हैं। अच्छा कौन है वो, वो यही है क्या। जल्दी बता। ए, ए, मेंटल दिमाग खराब हो गया तेरा, ये कौन है मैं नहीं जानता। अरे क्या सर, हम दोनों ने तो प्लान बनाया था, अब मुकर रहे हैं आप। ए, हाँ, हमने, मैंने प्लान किया था, तू कौन है मैं नहीं जानता, मुझे मत घसीट। आपने ही तो कहा था कॉलोनी में लोगों की सिक्योरिटी कम कर दो, और ऐसा करने से आपको वोट्स मिलेंगे और नरसिंह यादव को हरा पाएंगे। ए, नरसिंह यादव के जीतने से हारने से क्या फर्क पड़ता है। रुद्रा ये कब से बकवास किए जा रहा है, तुम चुप क्यों खड़े हो। ए, क्या रे नया ड्रामा शुरू कर दिया। नहीं सर, कमिश्नर के सामने ये सब साबित कर देगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है चल, अभी के अभी चल। ठीक है सर। ए भूषण को भी लेके आओ। जी सर। चिंता मत कर, सब ठीक होगा। कहाँ गया होगा, उसने कमिश्नर ऑफिस कहा था वहीं गया होगा। अच्छा वहीं चलो। ये सब भूषण ने किया ये कैसे साबित करेगा। सिंपल सर, यहाँ चोर को पकड़ने की नहीं, किसी को चोर बनाने की कोशिश हो रही है। जब तक मैं झांसी के घर में था तब तक कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे बाहर आने के बाद चोरी हुई। जब मैं मीनू के घर गया तब तक वहाँ कोई नहीं आया। हाँ लेकिन बैग आ गया। वहीं रख के आ जा। जो चोरी करने आया था उसे गहने लेकर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने मीनू के घर में जिस खिड़की को बंद किया था उसे खोलकर गहने क्यों रख कर जाएगा। मुझे वहीं शक हुआ कि ये सब नरसिंह यादव को फंसाने के लिए हो रहा है। फिर मैंने सोचा इससे किसका फायदा होगा, जब सब चोर को पकड़ने में लगे हुए थे तब भूषण अपने पॉलिटिकल कैंपेन। भाइयों जनता के लिए कितनी भी मार खा लूंगा मैं, कितनी भी बातें सुन लूंगा, भूषण गॉड हूं मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा कॉर्पोरेटर है, नरसिंह यादव ही इसका जिम्मेदार है। कॉलोनी में मुझे ये समझ में आया कि भूषण और झांसी दोनों एक ही पार्टी से, मतलब नरसिंह यादव को पॉलिटिकली खत्म करने के लिए झांसी को कुछ होना चाहिए। जब मैं भाग रहा था तीन लोगों ने मुझ पर ऐसे अटैक किया जैसे वो जानते थे कि मैं कहां जा रहा हूं। उनमें से एक को कॉलोनी में एंटर होते वक्त भूषण से बात करते हुए देखा था मैंने। जब मैं मीनू के घर में था बाइक का ओनर कौन है ये जानने के लिए इसने शोरूम में कॉल किया और वहां से मेरा नाम एड्रेस सब पता लगा लिया। भूषण ने शोरूम में कॉल किया था, वो पूछ रहा था, लेकिन मुझे फंसाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन कहीं भी काम नहीं आई, क्योंकि अचानक मेरे मीनू के घर आने की वजह से इन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा। उसके बाद पहले जिस आदमी को भेजा उसकी जगह मुझे चोर बना दिया। इन्होंने ठान लिया कि कुछ भी करके मेरे ही जरिए नरसिंह यादव को पकड़वाएंगे। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन इसे कंफर्म करने वाला कॉल कर उसको। ये तुम्हारा और भूषण का बेनिफिट होने वाला पॉलिटिकल गेम है।
मैंने अपने तीन आदमियों को कॉलोनी में रखा है। उनको नरसिंह यादव के करीब रहने के लिए कहा गया है। सीसीटीवी कैमरे भी मेरे कंट्रोल में है। उन तीनों में से एक पकड़ा जाएगा जो कहेगा कि ये सब नरसिंह यादव ने ही करवाया। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। सर, सीसी कैमरे ऑफ कर दे। ए, चलो उतरो। यार इसने सूरी सूरी कह के दिमाग खराब कर दिया। इसको लेके जा उसके पास। ए, चल। उसे यहां तक लाने की जरूरत क्या थी, वहीं एनकाउंटर कर देता। उसे सब कुछ पता चल गया तेरी कैंची जैसी जुबान की वजह से। चुपचाप मेरे पीछे आ। ए, चलना। व्हाट्सएप फोटो दिखा के तूने हम सबको फंसा दिया। ए, सोना लेकर आ। सर, सूरी सूरी सूरी, हे उठना, हे सूरी सूरी उठना, सूरी उठना, उठ जा मेरे भाई, आराम से, आराम से। यार सब ठीक तो है ना? यार इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे सब ठीक है? हा? साले, तू मेरा दोस्त है, क्या बात कर रहा है? यार ख्याल रखना तू। चलो सूरी, चल उसे कुछ मत करना प्लीज। सूरी चलो, उसको कुछ मत करना। चल सूरी, चल चल चल। ए, ये सब फैला दे, जाके मदद करना। ओके सर, सर जाऊं मैं? सर हाँ, चले जाना, चले जाना। जी जी सर। अबे ये उठा तो सही। हाँ ये क्या किया रुद्रा, पागल हो गया क्या? ए, चल नीचे, चल सूरी, चल सूरी, उठ उठ मेरे भाई। सर सर इसे कुछ मत करिए सर, मैं यहीं हूँ। सही कहा, तू है ना हमारे पास। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर, नहीं सर। रुद्रा, रुद्रा, कॉलोनी वालों को बुलाओ क्या? इन पिद्दों के लिए पूरी फौज को बुलाएगा क्या? अरे वो लोग इस तरफ भागे हैं। वो उस तरफ भागा है। ए मुन्ना उस तरफ जा। ए सदाम उस तरफ जा। ए सामा ऊपर जा। जा रहा हूं। यार तुम लोग यहाँ कैसे आए? रुद्रा जब सूरी को अरेस्ट कर रहा था तभी मुझे शक हुआ था, तो फोन पर व्हाट्सएप लाइव लोकेशन ऑन अच्छा कर दिया। सूरी का है? सूरी तेरे साथ ही तो था। मेरे साथ कैसे था? शिट, सूरी यहीं कहीं होगा। हम लोग अलग अलग ढूंढते हैं, जिसे भी मिलेगा सीधा बाहर आ जाएगा। ओके ओके, तू वहां जा, मैं तेरा ध्यान रखना। चल हां चल। ए उठ, उठना ए मेरे दोस्त, उठना। ए ए इसको किसने मारा? उसी ने मारा होगा सर। उठ, उनमें से एक को भी मत छोड़ना। ठीक है सर, जल्दी। मेरे दोस्त को मार दिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। नहीं मारा। गोली क्यों चलाई? मुझे लग जाते तो। आ! 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 आ!
पुली छुड़ो रा నువ్వొక్కడవే మిగిలవరా, నిన్ను కూడా వేసేస్తే ఉప్పనైపోయి. मैं ही आपके घर आया था. क्या तुम आए थे? सर सर, इसमें मीनू की कोई गलती नहीं है, पर एक बात है, वहां जो भी चोरियां हो रही है वो सब आपको फंसाने के लिए हो रही है. चल चल चल. स्नेहापुरी कॉलोनी में हो रही चोरियों की मिस्ट्री सॉल्व हो गई है. जनता का कॉर्पोरेटर नरसिंह यादव से भरोसा उठाने के लिए भूषण ने ही ये साजिश रची, ऐसा पता चला है. ये भी पता चला है कि इस साजिश में सीआई रुद्रा का बड़ा हाथ है. खास बात यह है कि चार चोरों को खुद ही कॉलोनी में भेजकर चोरियां करवाई जा रही थी. सबूतों को मिटाने की कोशिश में उन चारों को सीआई रुद्रा ने मारने की कोशिश की. उनमें से एक की जान बच गई और उसने कमिश्नर को सब सच सच बता दिया. इसके बाद एक्स कॉर्पोरेटर भूषण और सीआई रुद्रा को चंचलगुड़ा के जेल में भेजा जा रहा है, ऐसा पुलिस का कहना है.